Hello friends, good morning and welcome to my food channel Food Delicacy. आज हम बनाने वाले हैं एक बंगाली रेसिपी. ये रेसिपी हमारे बंगाल में बहुत फेमस है और बहुत सिंपल है, बहुत फटाफट बन जाती है. तो इसमें हम कहते हैं भापा रूही, यानी स्टीम्ड रूही फिश. ये मैंने 4 पीसेस रूही फिश लिए हैं. इसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है और अब हम इसमें सारी चीज़ें बारी बारी करके मिलाएंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ज़रूरत पड़ती है मसाला, और वो है सरसों. तो मैंने पीली वाली सरसों और ब्लैक सरसों दोनों मस्टर्ड को 1-1 स्पून लेकर मिक्सी में पीस लिया है और अब मैं इसे छान रही हूँ ताकि इसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाएं. इसे अच्छे से महीन एकदम पेस्ट बनाकर और उसे अच्छे से मिक्सी में चला के छान लें. अब ये फिश, इसे हम सारे मसाले डालकर मैरिनेशन पे रखेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर. नमक मैंने इसमें शुरू में ही डाल दिया था. हल्दी पाउडर डालकर और फिर इसमें डालेंगे वो मस्टर्ड वाली पेस्ट जिसमें येलो और ब्लैक मस्टर्ड दोनों दिया हुआ है और अच्छे से पीस कर हमने छान लिया थोड़े से पानी देकर. और अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल. तो ये रेसिपी जो है इसमें पूरा मस्टर्ड का फ्लेवर आएगा. जिनको मस्टर्ड खाना पसंद है उनको ये बहुत मज़ा आएगा खाने में. और अब हम इसमें चिली, ग्रीन चिली सिर्फ बीच में से चीरा लगाकर डाल रहे हैं. ये आपके हिसाब से डाल लीजिए, जितनी आपको तीखी चाहिए तो ज़्यादा डाल लीजिए. मुझे थोड़ी तीखी पसंद है इसलिए मैं इसमें ये सारे 4 पीस चिलीज डाली. और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसे कम से कम 5-10 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देंगे ढककर. ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई. अब मैंने ढक के रखा था. अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे. तो इसे हम स्टीम कर रहे हैं इसलिए कुकर में डालकर जस्ट 1 सीटी लगाएंगे. सारे मसाले सब चीज़ के साथ मैंने कुकर में डाल दिया. आप चाहो तो इसके पानी की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हो. और अब मैंने कुकर में डालकर 1 विसल होने तक वेट किया. जैसे ही हमारा 1 विसल हो गया मैंने गैस ऑफ किया और ये हमारा भापा रूही रेडी है. आप इसे चावल के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा. टेस्ट कीजिए, न्यू टेस्ट आएगी. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक